हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत बढ़िया हो गए। तो एक और नई शाम और एक और नई जर्नी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज की मेरी जर्नी ना कि ट्रेन जर्नी होने वाली है जबकि बस जर्नी होने वाली है। मैं जा रहा हूँ उदयपुर और बस जर्नी इसलिए, हालांकि मैं ट्रेन ही प्रीफर करता हूँ और बस जर्नी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उदयपुर जो है जोधपुर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ट्रेन के लिए थोड़ा सा अजमेर घूम फिरा के होके जाना पड़ता है और बस जो है जो 6 घंटे में छोड़ देती है, वहीं मतलब अजमेर से जाएंगे तो मतलब 10-12 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे मेरे हिसाब से, या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, हालांकि मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी मैं आ रखा हूँ जोधपुर में बारी रोड स्थित डोके ट्रेवलर्स के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ मैं, और यहीं पे हमारी बस लगने वाली है और यहीं से मैं जाने वाला हूँ। और मैं जा किस ले रहा हूँ ये मैंने आपको बताना भूल गया। तो मैं जा रहा हूँ अपने पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जो कि आज है 22 तारीख और 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो एक दिन पहले ही निकल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जाके मतलब कुछ लोग हैं जो अभी निकल रहे हैं, उनका कल एग्ज़ाम है, हालांकि उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि ट्रेन का तो भरोसा है, बस का कुछ भरोसा नहीं है। ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए और ये शार्प 4 या 5 बजे छोड़ेगी, और पारी में अगर एग्ज़ाम है उनका 8 बजे तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं जो हूँ एक दिन पहले जा रहा हूँ और आप सब एग्ज़ाम देते हो तो यही सबसे बेस्ट रहता है कि एक दिन पहले जाओ, वहाँ पर होटल वगैरह जो भी है कुछ ले लो और उसके बाद मतलब आराम से नींद वगैरह लेके आप एग्ज़ाम देने जाओ तो बेटर रहेगा। एज ट्रैवल करके जाओगे तो थकान तो रहती है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दोगे तो फिर एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं या ऊपर ही छूट जाते हैं और ट्रैवल फटीक के कारण, तो उसका जो रिजल्ट है मतलब आपके रिजल्ट के ऊपर बुरा असर हो सकता है। तो रही बात ट्रैवलिंग की करूँ तो ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है, बस व्लॉग होने वाला है स्लीपर क्लास का। तो यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, बस जो है 4 बस आ चुकी है उनकी, डोके ट्रैवलर्स की, देखते अपनी बस कौन सी है। नंबर आ चुके हैं, रेड बस से मैंने जो है बुकिंग की थी मैंने, और बुकिंग ऐसे की है मैंने कि भाई ना मैंने पीछे लिया है, ना मैंने आगे लिया है, ना लोअर लिया है, ऊपर बर्थ लिया है, मतलब बीच में लिया है ताकि पीछे जो झटके ना आए और आगे थोड़ा मतलब डेंजरस से थोड़ा दूर रहूँ मैं, क्योंकि ना उदयपुर जाते हैं तो उदयपुर में घाटे वगैरह भी बहुत आती है तो थोड़ा बहुत रिस्की भी है। हालांकि सब जाते हैं, ऐसा रिस्की तो नहीं है, बट अपने हिसाब से मैंने सेफ जो बर्थ है जो मैंने बुक कर ली है, 10-12 ट्रैवलर्स को मैंने सर्च करके उसके हिसाब से मैंने बस जो है चुनी है, और देखते हैं अब कैसा क्या सफ़र होने वाला है, उस सफ़र को शुरू करते हैं। चलो गाइस ऑन बोर्ड होते हैं बस में अपने, और ये इसका कैबिन। सो गाइस अपनी सीट नंबर आ चुकी है, सीट नंबर तो नहीं है इसमें, अल्फाबेट दे रखे हैं, ये अपनी सीट है। हालांकि लाइट लगी नहीं रही है, 9:45 का इसका था डिपार्चर, लेकिन 15 मिनट लेट जो है वो डिपार्ट हो रही है जोधपुर के बाहर भी रोड चौराहे से। बस
इसी के साथ हम रुक चुके हैं देसूरी नाल और यहाँ पे इस बस का 20 मिनट का हॉल्ट है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा काउंटर रहते हैं इन सभी के, जैसे जो होटल पर रहते हैं तो ड्राइवर और उनके काउंटर पर रहते हैं, उनका खाना वगैरह जो भी है फ्री रहता है। और हमारे लिए एक अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जो भी है उपलब्ध है। हालाँकि बस यहाँ पे टोल नाका आता है जैसू नाल से जस्ट 10 मिनट पहले, तो मैं वहाँ उतरा था, मैंने फटाफट जो है वॉशरूम वगैरह कर ली थी गैस बहुत ज़्यादा अर्जेंट में आ रही थी मेरे। और यहाँ पे जो है आप खाना वगैरह खाएंगे बताता हूँ आपको कि यहाँ पे खाने की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। हालांकि मैंने पिछली बार ना एग्ज़ाम देने गया था डूंगरपुर, तो वहाँ पे खाना खाया था जैसू नाल से बाद में, वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ का ट्राई करते हैं भगवती रेस्टोरेंट का नाम बताऊँ तो मैं, भगवती एसी रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस है जो कि जैसू नाल से मतलब एंटर होते ही है। तो देखते हैं यहाँ पे खाना वगैरह क्या सुविधा है क्या नहीं है। तो एंटर होते हैं रेस्टोरेंट में, हालांकि वेज रेस्टोरेंट है ये, इसकी सीटिंग एरिया है, आगे वॉशरूम एरिया है, यहाँ पे बैठते हैं। तो ये इसका मेन्यू है भगवती होटल एंड एसी रेस्टोरेंट का। और एक चीज़ मेरे को मेन्यू में अच्छी लगी कि यहाँ पे राजस्थान की जो भी आकृति वगैरह बनी हुई है, जैसे कि ये है आमेर का किला, उदयपुर का ये है, अपन जा रहे हैं ये साइड फतेह सागर लेक का है, ये रणकपुर का किला है, किला तो नहीं रणकपुर मंदिर है, तारागढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का ये, अपने जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट, और ये अपने राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा। बाकी तो ये राजस्थान की पेंटिंग है, मैंने मंगाई है शायद ये मतलब थाली मंगा रहा हूँ मैं ये मिक्स सब्जी वगैरह, क्योंकि ये तो मैं सब खा नहीं पाऊँगा ऐसे सफ़र में, मैं ज़्यादा भारी खाना नहीं चाहता, तो इस वजह से ये थाली मंगाई है मैंने। तो टेस्ट करता हूँ और टेस्ट कर बताता हूँ आपको कैसी कैसी नहीं है। भगवती रेस्टोरेंट की थाली, और ये इस रेस्टोरेंट की वेज थाली है, आपको दाल फ्राई मिलेगी और प्लस वेज सब्जी और सैलड वगैरह मिलेगा, एक पापड़ और रोटी अनलिमिटेड है। फाइनली लंच जो है अपना हो चुका है, और रही बात लंच सॉरी तो फाइनली डिनर जो है अपना हो चुका है भगवती रेस्टोरेंट से। हाँ पे कर रहा हूँ मैं। और रही बात इस रेस्टोरेंट की बात करूँ तो क्या नाम है, अगर फूड की टेस्ट की बात करूँ तो फूड का टेस्ट था जो मीडियम से हाई के बीच में था, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, मस्ट ट्राई है यहाँ पे। और जो भी मतलब मसाले वगैरह थे ना ज़्यादा हाई थे ना ज़्यादा लो थे, एकदम परफेक्ट थे मसाले की बात करूँ तो मैं। रही बात सुविधा की तो यहाँ पे अचार नहीं मिला, बाकी सब मिल गया है। और मिलता भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टूडेंट की जो भी बस गई है, जो भी उदयपुर की उनके भी एग्ज़ाम है पटवारी के, तो वो सब यहाँ से गए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी ये ऊपर मतलब सुविधा जो है थोड़ी ऊपर नीचे हो चुकी है। केवल अचार के मामले में बाकी सब हमें मिल गया था, इन्होंने छाछ का भी मना किया था लेकिन छाछ जो है इन्होंने प्रिपेयर करके लेके आ गए थे। तो एक मेरी तरफ से तो एकदम ओके है ये रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की बात करूँ तो मैं, एज मैंने बताया था मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस था इसके आसपास जो रेस्टोरेंट था वो अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एकदम A1 है। चलता हूँ बाहर क्योंकि बस जो है अपनी रेडी हो चुकी है निकलने के लिए, डिपार्ट हो चुकी है, डिपार्ट होने के लिए यहाँ से। तो यहाँ पे करता हूँ और निकलता हूँ बस।
और देखिए इस रूट से गुजरते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि गेट वगैरह सब जो बंद होने चाहिए, जैसे कि कंडक्टर साहब है, इनको हालांकि कुछ चीज़ फेंकने के लिए इन्होंने गेट खोला है और एट प्रेजेंट ये मतलब गेट पे ही खड़े रहते हैं, मतलब गेट बंद करके खड़े रहते हैं, क्योंकि देसूरी नाल से और उदयपुर के बीच में जो ये घाट सेक्शन है इसमें यहाँ पर लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि बस में ऐसी कोई वारदात नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इनको ध्यान रखना पड़ता है कंडक्टर साहब को। मेरे को भी ना गेट के अंदर भेज देता है इन्होंने और खुद भी ना शतक होके गेट के पास खड़े हैं, आप देख सकते हो। और ये सब स्टूडेंट हैं, इन्होंने हालांकि बैरिकेड लगा लिया है क्योंकि इनकी जो बस है जो आगे आप देख सकते हो खड़ी है वो ख़राब हो चुकी है और उसको ट्रैक्टर से टो करके यहाँ तक लाया गया है। क्योंकि ट्रैवलर्स वाले क्या करते हैं, क्योंकि ना जहाँ भी सेंटर पे एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे ना अपनी बस से एक्स्ट्रा है वो लगा देते हैं। हालांकि ये रूट थोड़ा सा मतलब घाट सेक्शन है तो यहाँ पे बस से भी थोड़ी सी वेल मेंटेन ही होनी चाहिए, जो नहीं होती है तो उस रूट पर आके अपना दम तोड़ देती है। और ये देखो ये, और ये रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, इससे इशारा कर रहा हूँ, इसका जो रिव्यू है बहुत ही लो है। मैं डूंगरपुर एग्ज़ाम देने गया था, मैं हालांकि बताया था ना, तो ये रेस्टोरेंट है, इसे खाने का बहुत ही बकवास टेस्ट है, यहाँ बिल्कुल भी कभी रुकेगा नहीं, खाएगा नहीं। जो मतलब देसूरी नाल ख़त्म होते ही उदयपुर के पास चेक पोस्ट है, उसके पास ही रेस्टोरेंट है। और जैसे कि मैं बोला था कि आप एक दिन पहले निकलो, एग्ज़ाम है तो एज बस ख़राब हो जाए तो कुछ पता नहीं चलता, और ये बस ऐसे जगह ख़राब हो गई है। और स्टूडेंट है जो दूसरों के ज़रूरत के या दूसरों के हेल्प के ऊपर डिपेंडेबल हो चुके हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि आप एक दिन पहले निकलिए अगर बस से सफ़र करते हो तो। हालांकि ट्रेन का भी मैं ये कहता हूँ कि भाई ट्रेन हालांकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, बट फिर भी आप एक दिन पहले ही निकलिए अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सही रहेगा। तो दैट्स इट, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। और जो एंडिंग शॉट था वो मैंने दिया था उदयपाल पे, उदयपाल मुझे ना बस ने डोके ट्रेवलर्स ने बस ने ड्रॉप किया था, लेकिन जो है कैमरे का बटन शायद मैं ऑन करना भूल गया था, उसकी वजह से वो मतलब वो लास्ट वाली जो क्लिप है वो मुझे मिल नहीं रही, इसलिए मैं ब्लॉग को यहाँ पे वापस घर पे आके एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। हालांकि ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा मोटा जो भी एक्सपीरियंस था मेरा जोधपुर से उदयपुर के बीच में ट्रैवल का, पहले का भी और अभी का, जो लेटेस्ट मैंने ट्रैवल किया इस बस में, तो शेयर किया। और आने वाले टाइम पर और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो चैनल को प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग जोधपुर से रिलेटेड और जोधपुर से बाहर के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। इट्स टाइम टू लीव यू ऑल, सी यू सून नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।